भोपाल में बिशप हाउस जाकर आर्च बिशप की प्रतिनिधि को ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण के प्रयास के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। सनातन संस्कृति तथा सेवा न्यास ने ज्ञापन में उन सभी तरीकों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया जिनका इस्तेमाल करके ईसाई मिशनरी और उनसे जुड़े लोग सनातन धर्मावलंबियों के धर्मांतरण का प्रयास कर रहे हैं। सनातन संस्कृति तथा सेवा न्यास ने कहा, हम ज्ञापन देने और आर्च बिशप से बात करने गए थे, उनको अपने आने का प्रायोजन और समय भी बताया था, लेकिन वे ज्ञापन लेने नहीं आए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर मिस्टर थारू को भेजा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने ईसाई धर्मगुरु आर्च बिशप डॉक्टर लियो कार्नेलियो से आग्रह किया है कि सेवा को माध्यम बनाकर, मदद को माध्यम बनाकर, लालच या प्रलोभन को माध्यम बनाकर, अंधविश्वास को माध्यम बनाकर और हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए ईसा मसीह को हिंदू देवताओं की तरह वेशभूषा या पोशाक पहनाकर ड्रामेबाजी बंद करें। ईसाई फादर हिंदू सन्यासियों या साधु संतों की तरह भगवा वस्त्र पहनकर हिंदुओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, उसको तत्काल बंद किया जाए। बंधुओं, आज हम ईसाई धर्म के धर्मगुरु आर्च बिशप जी के निवास पर यानी कि बिशप हाउस भोपाल में मिशनरियों और उनके लोगों द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण के खिलाफ प्रयास के खिलाफ एक ज्ञापन देने आए हैं। हम सभी देख रहे हैं कि लगातार ईसाई मिशनरियां सनातन धर्मावलंबियों को विभिन्न माध्यमों से, चाहे वह लालच हो, प्रलोभन हो, मदद हो या अंधविश्वास, किसी न किसी प्रकार से अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम आर्च बिशप जी से यह निवेदन करेंगे कि आप अपनी परंपराओं का, रीति रिवाजों का, धार्मिक मान्यताओं का पालन अपनी समाज में करें। सनातन धर्मावलंबियों को वो पूजा पद्धति, वो परंपराएं, वो विरासत, वो धरोहर जो उनके पूर्वज हजारों साल से उनको सौंपते चले आ रहे हैं, उसी के अनुसार पूजा करने दें। उनको लालच प्रलोभन देकर किसी भी प्रकार से ईसाई धर्म की ओर लाने या खींचने का प्रयास बंद करें। उनसे हम बड़े ही आग्रह पूर्वक एक बात और बोलने आए हैं। यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार के लिए बांटे जा रहे हैं अपने साहित्य में, ईसा मसीह जिनको हम जानते हैं कि वो विदेशी हैं, उनका भारतीय संस्कृति से या सनातन परंपराओं संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। वो एक विदेशी भगवान है, विदेशी धर्म है ईसाई, और उनकी मान्यताएं, परंपराएं सब विदेशी हैं, लेकिन वो अपने ईसा मसीह को भारतीय देवी देवताओं की, सनातन देवी देवताओं की वेशभूषा और पोशाक पहनाकर सनातन धर्मावलंबियों के बीच यह कहते हुए पहुंच रहे हैं कि सारे भगवान एक हैं, आप अपनी पूजा भी जारी रखो और चर्च की पूजा भी आप प्रारंभ करो। यह अपनी ओर खींचने का उनका पहला प्रयास है जो वो कर रहे हैं। हम बिल्कुल विनम्रता पूर्वक निवेदन करने आज आए हैं कि जो फादर हैं वो जो ईसाई धर्म की पोशाक है वो पहने, भारतीय वेशभूषा वो पहनने लगे हैं भगवा रंग की, उनको पहनना बंद करें। ऐसी बहुत सारी बातें इस ज्ञापन में हमने विस्तार पूर्वक दी हैं। न्यास ने कहा, हम मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से समय लेकर उनसे मांग करेंगे कि सनातन या भारतीय प्राकृतिक चिन्ह को इस्तेमाल करके देवी देवताओं की पोशाकों का अपने भगवानों के लिए इस्तेमाल करके, साधु संतों की वेशभूषा का ईसाई पादरों के लिए इस्तेमाल करके सनातन धर्मावलंबियों को भ्रमित करने का जो प्रयास ईसाई मिशनरी कर रही है उन पर कड़ी कार्रवाई करें। अगर ऐसा कोई विधान नहीं है तो मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव लाकर विधान बनाएं और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।